माउंट आबू में गणेश महोत्सव का भव्य समापन हुआ, जिसमें 5 दिन के दौरान 108 बड़े गणेश प्रतिमाओं के साथ 200 से अधिक छोटे गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। यह महोत्सव न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है और यहां हर साल हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। देर रात तक चलने वाले विसर्जन समारोह में माउंट आबू के उप जिला कलेक्टर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के गौरव रविन्द्र सालुंखे, नगर पालिका अध्यक्ष जीतू राणा, नगर पालिका आयुक्त शिवपाल सिंह, पुरोहित और भारी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वह विसर्जन प्रक्रिया कमला नेहरू पार्क के सामने स्थित तालाब में संपन्न हुई। नगर पालिका मंडल आबू पर्वत ने विसर्जन स्थल और कमला नेहरू पार्क को खूबसूरती से सजाया था, जबकि पुलिस प्रशासन ने गणेश शोभा यात्रा की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की। गणेश शोभा यात्रा 5 किलोमीटर तक फैली हुई थी और इसका संचालन शिवसेना द्वारा किया गया। इस दौरान उप जिला कलेक्टर माउंट आबू गौरव रविन्द्र सालुंखे ने कहा कि गणेश महोत्सव का विसर्जन एक महत्वपूर्ण अवसर है और हम सभी मिलकर इस भव्य समारोह को सफल बनाने में जुटे हैं। यहां की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। हमें इस मौके पर गणपति विसर्जन के आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यह देखना अविस्मरणीय था कि कैसे पूरे शहर ने इस धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम को मिलकर मनाया। वहीं शिवपाल सिंह राजपुरोहित, नगर पालिका आयुक्त ने कहा कि हमने विसर्जन स्थल को सजाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह हमारे लिए गर्व की बात है, इस भव्य आयोजन का हिस्सा बने। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट।